कोरोना का डर आजकल इतना हो गया है कि आज किसी को नॉर्मल जुखाम, कफ या वायरल इन्फेक्शन है तो उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। देखिए, डर लगना भी चाहिए और इसकी जांच भी आपको करवानी चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर नॉर्मल जुखाम, कफ या वायरल इन्फेक्शन कोरोना नहीं होता। और अगर आप इसे घर पे ही ठीक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक सिंपल सी घरेलू हेल्थ टिप देता हूं। आपको बनानी है चाय, और वो भी दालचीनी और अदरक को यूज करते हुए अच्छे से उकाल के अगर आप हर दिन एक प्याला पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और अगर आपको नॉर्मल जुखाम है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नॉर्मल वायरल इंफेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और कफ भी दूर हो जाएगा। गाइस, खाने के अपने अलग ही फायदे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा गुणकारी है पालक। जी हाँ गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पालक खाने से आपका दिमाग सही ढंग से काम करता है और आपकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ती है। और उसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो पालक खाने से आपके शरीर की खून की कमी भी दूर होती है। गाइस, इसीलिए पालक जरूर खाएं। ऐसे शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डालने और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च और फिर उसे खाइए। ये नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।